नाउ नेक्स्ट एग्जांपल रिगार्डिंग स्विच केस, इस केस में स्विच के अंदर आर्गुमेंट सप्लाई किए टू आर्गुमेंट्स कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट्स एस आई कॉमा जे, ऑलरेडी डिस्कस किया था ड्यूरिंग कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, जब भी अगर आपके पास कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल एक्सप्रेशंस अवेलेबल हैं देन इस केस में मल्टीपल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस, इन इस केस में इटरेशन और एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराएं रिस्पेक्ट टू लास्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट वन आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ आई एंड जे के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ जे विच इज टू, करेंटली मैच की सूरत टू से। वन मोर थिंग्स डिफॉल्ट के केस में रूल था डिफॉल्ट ब्लॉक मे बी लास्ट स्टेटमेंट मे बी मिडिल स्टेटमेंट मिडिल केस और मे बी फर्स्ट केस इन साइड बॉडी ऑफ स्विच, सेम एज केस के केस में लेबल्स के लिए सिक्वेंस फॉलो करना कंपलसरी नहीं, केस लेबल्स किसी भी सिक्वेंस में प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा लाइक दे। देन फाइनली मैच केस के लिए टू के लिए टू किससे मैच हो रहा है केस टू दैट वन मीन आर्गुमेंट वैल्यू क्या है टू केस वैल्यू लेवल क्या है टू, तो इस केस में चांस किस को मिलेगा टू, देन फाइनली से डिस्प्ले क्या होगा मैसेज है टू, देन ब्रेक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंड करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच देन देयर इज नो स्टेटमेंट, फाइनल आउटपुट क्या है इस केस में फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज डिस्प्लेड एज मैसेज टू।